कहाँ जा रहा है? वापस आ इधर। तूने मुझे नकली सिक्के दिए? क्या बात कर रहे हो, मुझे अच्छे से पता है मेरे सिक्के नकली नहीं थे। अरे ये नकली सिक्के हैं। झूठ बोल रहे हो। अरे ला दो। ऐसे कहता हूँ ये सिक्के नकली नहीं थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ। हे, मुझे भी एक देना। तो तुम ही हो वो पंगलाई कंफू मास्टर। बहुत तारीफ सुनी है मैंने तुम्हारी। पहली बार हमने छठवें विभाग की फौज में औरतों को शामिल किया है। उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें निराश नहीं करोगी। हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे जनाब। हमारे पहले दर्जे के सिपाही तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां समझाएंगे। छठे विभाग में सिर्फ हुनर और मेहनत की कद्र होती है। अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम चार उच्च सैनिकों में से एक बन सकती हो। फिलहाल तुम हैन लॉन्ग के साथ काम करोगी। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो तो सीधे मुझे बताना। तो तुम ही लेंग लिंग की हो ना? तुम्हारी तलवारबाजी के कई कारनामे सुने हैं। तैयार हो जाओ, ये वही है। रुको इधर आओ, उसे पीने को ये बोतल दो। हुजूर, ये रहा आपका ड्रिंक, पीजिए। मास्टर, हम तैयार हैं। ठीक है, लेकिन रुको, वो किसी का इंतजार कर रहा है।
मदद करना ऊपर वाले। यहाँ हम में से सिर्फ तीनों को मार्शल आर्ट्स आते हैं और नीचे उन लोगों के पास जियोंग शक्ति है और सिर्फ एक ही मास्टर है। स्वागत है, आइए इस तरफ। ओ नहीं, एक और मास्टर अभी आया है। लाइफ स्नैचर? तो जियासान को इसका इंतजार था। कौन है ये? इसका असली नाम चू लुशोंग है। अपराध की दुनिया में वसूली का काम करता है ये। कितना भी बड़ा बंदा हो, ये सबसे वसूली करता है। ये कितना खतरनाक है? बहुत खतरनाक। मैंने भी लोगों से इसके बारे में बहुत सुना है। ओह, बहुत बढ़िया। देखते हैं ये क्या करता है। हम झरने में भाग रहे हैं, रास्ते से हट जाओ, समंदर जाओ। अच्छा तो तुम यहाँ हो। हिलना मत, आपको पहचाना नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम बच के निकल जाओगे? मैं उसके सारे पैसे लौटा दूंगा। एक बड़ा काम मेरे हाथ लगा है। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं आपका पूरा कर्जा चुका दूंगा। ऐसा क्या कर रहे हो? फेक कॉइन कास्ट, तुम्हें डर नहीं लगता पकड़े गए तो? मुझे किसी का डर नहीं, तुम बैठकर डरो। बादशाह तक खबर पहुंचा दो, हमने ड्रंकन मून को घेर लिया है। इमोशनलेस, छठे विभाग ने हमें घेर लिया है। डरो मत, थोड़ा इंतजार करो। पहले पैसे निकालो। इसमें जहर है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गिरफ्तार कर लो सबको। चलो हट जाओ, पीछे हटो। चलो हट जाओ, चलो हट जाओ पीछे। वो देखो, मास्टर की हिफाजत करो, जल्दी पीछा करो, पकड़ो उसे, जल्दी जाओ, जल्दी हैंड लॉन्ग, जल्दी जाओ, पकड़ो उन्हें। जी हुजूर। जल्दी जल्दी, चलो चलो, जल्दी जल्दी। चलो चलो, निकलो यहाँ से, जल्दी चलो। बिल्कुल, तुम वहाँ जाकर संभालो। रुको रुको रुको, अच्छा यहाँ से ये वो नहीं है, चलो। कौन हो तुम लोग? पहले तुम मेरे सवालों का जवाब दो। Yeah!
घेर लो इन्हें, घेर लो सब लोग, ऊपर से घेरो, ऊपर, मारो। ये भी जियोसान नहीं है, ले जाओ इसे। मैं जियासान का साथी नहीं हूँ, मैं तो यहाँ वसूली करने आया था। तो तुमने उसका साथ क्यों दिया? तुमने पहले मुझ पर हमला किया, मुझे तो जवाब देना ही था। तुमने ये सब अकेले करने का कैसे सोच लिया? अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो एक मुजरिम हमारे हाथ से निकल जाता। बहुत बढ़िया। ये देखो, इन्होंने तो सब कुछ बर्बाद कर दिया। लगता है छठे विभाग को अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। लॉर्ड ली, मैं हूं चुगा चेंगवो। तो तुम हो चुगा चेंगवो? जी हाँ, वही। हम भी आज इसी मुद्दे पर काम कर रहे थे और ये रहा जीसांग का लिखा हुआ बयान। इस मुद्दे को उठाने की इजाजत किसने दी तुम्हें? हम एक शाही फौज हैं। ओ, शाही फौज? जी, हम शाही फौज के सैनिक हैं और हमें एक सिक्कों के सांचे की तलाश है। मैंने किसी शाही फौज के बारे में नहीं सुना है। यहाँ सिर्फ एक फौज शाही हुक्म दे सकती है और वो है सिर्फ छठा विभाग। गिरफ्तार कर लो इन्हें। यस सर। हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। रुक जाओ। रुको। होशियार, शहजादे तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर, आप यहाँ? आपका स्वागत है हाइनेस। क्या हो रहा है यहाँ? बस एक छोटी सी दिक्कत है योर मैजेस्टी। हमें ये लोग मिले हैं जो खुद को शाही फौज बताते हैं, पर मुझे गहरी साजिश के प्यादे लगते हैं। तुम्हें गलत फहमी है जेंगवो। तुम इन्हें अपना शाही निशान क्यों नहीं दिखाते हैं? चलो दिखा दो। जी योर हाइनेस। बादशाह हमेशा सलामत रहे। एक रहस्यमय आदेश का पालन करते हुए इस हुकूमत से जुड़े कई मामलों की छानबीन करने में मैं इस शाही फौज की रहनुमाई करता हूँ। आप उठ जाइए योर हाइनेस। मैं उम्मीद करता हूँ कि दोनों फौज साथ मिलकर काम करेंगी। ये बादशाह का हुक्म है। जी जरूर योर हाइनेस। लॉर्ड ल्यू, जिया सैन और सिक्कों का सांचा मैं छठे विभाग को सौंपने के लिए तैयार हूं। क्या बदले में आप कोई को छोड़ सकते हैं? ये एक मुजरिम है। मैं मुजरिम नहीं हूं। हमारे काम में इसने हमारी बहुत मदद की है। मेरी बात पर यकीन कीजिए और इसे जाने दीजिए। लॉर्ड लियो, क्या इन मामूली बातों को आसानी से नहीं सुलझा सकते? जी हुजूर, छोड़ दो इसे। जी जनाब। चलो। चले जाओ। लॉर्ड हैन, हमारा मकसद पूरा हो गया। सच में? जी हाँ।
कुछ बाकी रह गया। अब मकसद पूरा हुआ, भागो। मैं छठे विभाग का सिपाही हूं लॉर्ड एन। ये देखकर मुझे काफी खुशी हुई कि आप पश्चिमी क्वीगोंग में तो माहिर हैं ही, लेकिन साथ ही आप दिल के नेक इंसान भी हैं। तारीफ सुनकर अच्छा लगा, लेकिन जब मैं तुम्हारी जान लूंगा तब जानोगे मैं कितना जालिम हूं। मास्टर, आप इसे मारना ही चाहते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे लगा खेल में थोड़ा मजा आना चाहिए। जो हुआ अच्छा हुआ, वहां के लोग अब तुम पर भरोसा करने लगे हैं, है ना? अब सोचो वापस जाकर क्या कहोगे। बहुत बढ़िया, ये वही सांचा है जो यहां से चोरी हो गया था, और अब ये बिल्कुल सही सलामत है हुजूर। अब शायद हमें सिक्कों को वापस मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने ठीक से देख लिया ना, ये वही सांचा है। बिल्कुल ठीक से देख लिया हुजूर। एक बात समझ लो, ऐसा कभी दोबारा नहीं होना चाहिए। कभी नहीं होगा हुजूर, मैं वादा करता हूँ मैं और ज्यादा चौकन्ना रहूंगा। तुम्हारे वादे किसी काम के नहीं हैं। आज के बाद खजाने की रखवाली छठा विभाग ही करेगा। लॉर्ड जू को घर तक छोड़कर आओ। जी जनाब। बास टुकड़ी, इन्हें घर तक छोड़ाओ। जी जनाब। आखिरकार आपने परेशानी को बिगड़ने से सुलझा दिया। छठे विभाग ने एक और काम को अंजाम दिया है। इससे हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हान लॉन्ग की जान चली गई और हम एक भी मुजरिम को जिंदा पकड़ने में कामयाब नहीं हुए। कौन है जो मुझे मारना चाहता है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी गलती से मरा। हान लॉन्ग की जान उसकी अपनी कमियों की वजह से गई। आज से तुम उसकी जगह काम करोगी। लंगलेंची, तुम अकेले ही जासां का पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने सोचा हम तीनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे। जासां एक बहुत ही शातिर मुजरिम है और पहले भी धोखा देकर भागा है। ये सब जानते हुए भी तुमने कैसे सोच लिया तुम तीनों मिलकर उसे पकड़ लोगे? जासां को ढूंढना ही बहुत मुश्किल काम था। अगर वो शाही फौज लैंग के प्लान के बीच नहीं आती तो वो जासां को पकड़ लेते। अपना बिल्ला वापस करो।
जनाब ये क्या है? ये वो सिक्कों का साचा है जो चोरी हुआ था, रख दो इसे। लेकिन जनाब इसे देखिए तो, ये अब मैंने सब देख लिया है, ये वही साचा है जो चोरी हुआ था, ये खराब हो गया है, अब इस्तेमाल नहीं हो सकता। और कोई सवाल पूछना है तुम्हें? मैं तो और अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा, समझे तुम? जानते हो ना अपना आपा खोने पर तुम्हें क्या हो जाता है, क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। थोड़ा सा गुस्सा आते ही तुम जानवर बन जाते हो, अगर ऐसा ही रहा तो लोग तुम्हें शैतान समझने लगेंगे। तो क्या मैं किसी शैतान से कम हूं? तुम्हें वाकई लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से निकाल दूंगा? और शाही फौज के पास जाओ और जुगे जेंगवा के बारे में सब कुछ पता लगाओ। सबको दिखाने के लिए मंत्री काय से हुई लड़ाई की वजह से उसने बादशाह के उच्च रक्षक की जगह ठुकरा दी है और अब उसने एक शाही फौज बना ली है। सच कहूं तो मुझे लगता है वो मिनिस्टर काय के साथ मिलकर कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है, वरना कोई भी इतना अच्छा मौका अपने हाथों से ऐसे नहीं जाने देगा। पर वो ऐसा क्यों करेगा? यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे ओहदे की बराबरी करना चाहते हैं और छठे विभाग पर कब्जा करना चाहते हैं। क्या मंत्री काय बादशाह को मारना चाहता है? मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी भी सूरत में छठा विभाग बंद नहीं होगा। इसलिए उस शाही फौज को खत्म करना बहुत जरूरी है। तुमने मेरा ये काम कर दिया तो बदले में मैं तुम्हें छठे विभाग का उच्च सिपाही बनाने में देर नहीं करूंगा। छठे विभाग को हमारी असलियत के बारे में पता चल गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हें लगता है वो हम पर शक करेंगे? हम तो उन्हें कोई मौका दे ही नहीं रहे। मुझे ये जगह पसंद है, कम से कम यहाँ किसी की गुलामी तो नहीं करनी पड़ती। बकवास मत करो। या हुआ, हमने अभी तक हमला क्यों नहीं किया? ज्यादा देर रुके तो मास्टर गुस्सा होंगे। जल्द ही कुछ करेंगे, जैसे ही मिशन खत्म होगा वैसे ही तुम यहाँ से भाग जाना। लेकिन क्यों? समझते क्यों नहीं? क्या करोगी तुम? अपनी पूरी जिंदगी इस नरक में बिता दोगी? मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं नहीं चाहती तुम यहाँ रहो। यहाँ कोई है? बदतमीज कहीं का चला गया। डिवाइन कॉन्स्टेबलरी, सब्र करो, खाना बन ही गया है। ये लो ये लो, ये साफ है।
लाइफ स्नैचर, शाही फौज में आपका स्वागत है। मैं हूँ बिग वुल्फ। हाय, मैं हूँ बेल। हम दोनों दरअसल मैं हूँ गट्स, यह है डिंग डोंग और हम दोनों भी एक कपल है। अब बकवास बंद करो अपनी, हम सिर्फ एक साथ काम करते हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई लाइफ स्नैचर, मैं हूँ डिंग डोंग। मेरा नाम है टी योशल, सब मुझे लोहे का पंचा बुलाते हैं। और ये है शेंग यायो। हेलो मिस शेंग। मुझे इमोशनलेस कहते हैं। इमोशनलेस, काफी अलग नाम है। खाना तैयार हो गया है? बिल्कुल तैयार है, आ जाइए। शाबाश। लाइफ स्नैचर, ये तुम्हारे लिए। आ, हा? ओ, ये बहुत टेस्टी लग रहा है मिस्टर जूगे। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं यहाँ काम नहीं कर सकता। अगर लोग मुझे कांस्टेबल समझेंगे तो मुझे अपने लिए काम ढूंढने में बहुत दिक्कत होगी। तो आप मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जैसा आप सही समझे। तो क्या मैं जा सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या तुम हमारे साथ डिनर नहीं करोगे? खाना तो खाकर जाइए। लेकिन लाइफ स्नैचर, बाहर तो बारिश हो रही है। रुकिए, मैं आपके लिए छाता लाता हूँ। बाहर बारिश हो रही है, खाना खाके चले जाना। ओह, आंट पॉइज आ गई। आंट पॉइज, आंट पॉइज, आंट पॉइज, आइए यहाँ बैठिए। यहाँ आ जाओ, बैठो, खाना खाते आ जाओ। आ जाओ, खाना शुरू करो। तुम दोनों इधर आओ, पहले खाना खा लो, जल्दी आओ, बैठो इधर। तो बताइए आप क्या खाओगे? थोड़ी सब्जी दे दीजिए। ओ अच्छा, सब्जी 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 कुछ खाओगे? देखिए बाबा, ऐसा है कि आज हमने आज सोचा था कि जिया सांग के खाने में कुछ मिलाकर हम उसे पकड़ लेंगे, पर मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका ये पूरा होटल बर्बाद हो जाएगा। तो आप बताइए कि खर्च कितना हुआ है? पूरा का पूरा खर्च ये शाही फौज उठाएगी, ये ठीक होगा ना? ये ठीक तो होगा ना? बिल्कुल ठीक होगा। आज मेरे होटल में एक शादी हो रही थी। अच्छा। तो मैं आप सबके लिए कुछ पीने के लिए लाई हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। बाद में। मुझे बहुत अच्छी है, मुझे भी दो। आंट पॉइज, इस वाइन की खुशबू बहुत अच्छी है। 18 साल पुरानी है ना? 18 इयर्स विंटेज डॉटर। तुम्हें शराब के बारे में काफी पता है। मिस्टर कुई, आप यहाँ बैठ कर हमारे साथ कुछ पी लीजिए। हाँ लीजिए लाइफ स्नैचर, ये आपके लिए है, ये लीजिए। मैं भी थोड़ा पीना चाहती हूँ। लाइफ स्नैचर, मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपके साथ बैठकर वाइन पी रहा हूँ। लाइफ स्नैचर, उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। आप हमारे साथ ही क्यों नहीं रहते? क्या रोज ऐसी चीज पीने मिलेगी? हाँ, हाँ। नहीं, आंट पॉइज रोज ऐसी वाइन लाती है और हमें इसके पैसे भी नहीं देने होते। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। मिस्टर चुके, मैं शाही फौज के साथ ही रहूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, तुम रह सकते हो। प्यार में धोखा? कौन मैं? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। झूठ बोल रहे हो, शकल से तो लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। Here, cheers. Life snatcher, ये लीजिए और। Cheers. Come on. लीजिए, पीजिए, और भी है। अरे मुझे चिंता मत करो, सब मुझे लीजिए, और लीजिए। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं तुम्हारी तरह दूसरों के दिलों में झांक कर नहीं देख सकती, लेकिन मुझे इतना पता है कुछ तो जरूर हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मास्टर जुगे ने हमें किसी लैंग को ढूंढने को कहा है। ठीक है। Thank you. शुक्रिया। जब तुम्हें पता था ये यहां पर है तो मुझे इसका पीछा करने क्यों भेजा? कहां जा रहे हो लैंगलिंग्वी? डिवाइन कॉन्स्टेबुलरी। तुम्हें अभी हमारे साथ चलना होगा। पर मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। शायद छठे विभाग को तुम्हारी जरूरत नहीं लेकिन हमें है, तो हमारे साथ चलो। बात समझ में आ रही है? इसे साथ नहीं ले जाते। तो तुम आ गए, अंदर आ जाओ। हमें बादशाह ने शाही फौज का नाम दिया है। नाम तो बड़ा आलीशान है ना, लेकिन हमारा विभाग ज्यादा बड़ा नहीं है। आपने मुझे क्यों याद किया? तुम मार्शल आर्ट्स मास्टर हो और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा है जो तुम्हारी जगह काम कर सकता है। जल्दी छठा विभाग तुम्हें फिर से काम पर रख लेगा। लेकिन मैंने सुना है कि अभी तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तो तुम हमारे साथ रहो और हमारे लिए काम करो। हम कुछ इस तरह से काम करते हैं। इमोशनल लेस हमारे केसेस संभालती है और छानबीन में मदद भी करती है। आयरन हैंड्स के आपराधिक दुनिया से काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। ओ, आओ बैठ जाओ। लेकिन ये सब इस काम में बिल्कुल नए हैं, इसीलिए हमें तुम्हारे जैसे मास्टर्स की बेहद जरूरत है। अगर तुम और लाइफ स्नैचर इस फौज के साथ मिल जाएं, तो हम बड़े मुजरिमों को पकड़ने में कामयाब हो सकते हैं। शुक्रिया। फिलहाल हम सब मिलकर सिक्कों का सांच ढूंढ रहे हैं जो चुराया गया था। मुझे लगा वो मिल गया है। लाइफ स्नैचर को लगता है कि जिया साइंग का साचा नकली था। पर लॉर्ड जू ने बादशाह से कहा था कि वो असली है। आपको लॉर्ड जू पर शक है? लाइफ स्नैचर इस काम में माहिर है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। मुझे लगता है लॉर्ड जू इस खेल में छोटा सा मोहरा है। उसके पीछे कोई और ही है जो उससे ये सब करवा रहा है, और चाहे कुछ भी हो हम उसे पकड़ कर ही रहेंगे। स्काई विंग्स, शायद वो मुझे पसंद करता है। अब मैं क्या करूं? हम सब यहां रहते हैं, तुम उस कमरे में रहोगे लाइफ स्नैचर के सामने। वो मेरी वर्कशॉप है और इमोशनलेस वहां रहती है।
उधर मिस्टर जूक का कमरा है, तुम जाकर आराम कर लो। यह तो सच में आ गया। ये नहीं हो सकता। हे, सुना, ये हो नहीं सकता। ऐसा क्या है जो कभी नहीं हो सकता? हम ये काम करने से कभी अमीर नहीं बनेंगे। मैं तो यहां पर बस अच्छी वाइन के लिए हूं। तुम किस लिए आए हो? इस लड़की के लिए तो नहीं? जरा संभल कर, ये लड़की मन की बात पढ़ लेती है। ख्याल रखना। मुझे तो लगता था जूजे जैंगवा के पास कोई बहुत ही अद्भुत सी शक्ति है, लेकिन वो तो मन की बातें पढ़ने वाली एक लड़की के भरोसे जी रहा है। मुझे अभी भी वहां रुकने की जरूरत है? अगर वो शहीद होना ही चाहता है तो तुम उसकी मदद करोगे? जूजे जैंगवा को लगता है लॉर्ड जू इस खेल का छोटा सा मोहरा है। उसे लगता है कोई और है जो ये सब करवा रहा है। उसे ऐसा लगता है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। नहीं नहीं, रुको रुको, वो बस आने ही वाला होगा। यही रुको और खाना खा कर जाना। अरे ये लो, वो आ गया। आओ लैंग, तुम्हारा इंतजार था। क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी थी। ठीक है, चलो मेरे कमरे में चलते हैं। ये काफी तेज है। तुम कितने प्यारे और क्यूट हो। तुम्हारा नाम डम्पी है, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। रहने दो। बादशाह शाही फौज को खत्म करना चाहते हैं। तुम भी इनमें से एक हो, अपना ख्याल रखना। और ये तुमसे किसने कहा? छठे विभाग में ये सब जानते हैं। इस नकली केस के खत्म होते ही शाही फौज को भी खत्म कर दिया जाएगा। हमारे बीच कोई बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? ये कुछ हमारे ही किस्सेस हैं। देखो इसे, देखो, पकड़ो। और ये वाले तो और भी मजेदार हैं। ये भी पढ़िएगा, और अगर कुछ पूछना हो तो बेझिझक पूछना। इसे पहनकर देखो। काश तुम छठे विभाग में वापस आ जाओ। और तुम भी अपना ख्याल रखना। तो क्या मैं तुमसे और डम्पी से फिर मिलने आ सकती हूँ?
सुनिए मोहतरमा, आपकी नब्ज तो सही चल रही है और अभी आप बिल्कुल ठीक हैं, सांसें भी ठीक चल रही हैं। तो अगर मैं कभी बीमार पड़ गई तो तुम मुझे ठीक कर दोगे? हाँ बिल्कुल, अगर तुम बहुत बीमार हुई तो मैं इसे बता दूंगा। सच में? तुम कितने अच्छे हो। चलती हूँ लैंग, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ और तुम भी, जल्दी मिलेंगे। वो लड़की एक अच्छी इंसान नहीं है। ज्यादातर लड़कियों को दूसरी लड़कियों में कभी भी अच्छाई नहीं दिखती। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या ये अच्छी बात नहीं कि किसी को लैंग की इतनी फिक्र है? मैं नहीं चाहती कि कोई उसका इस्तेमाल करे या फिर हमारे लिए परेशानी की वजह बने। ध्यान से सुनो, राजकोष मंत्री यहाँ आ रहा है। मैं अभी आती हूँ। ये देना। हाँ फिर मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये तो छठे विभाग से हैं। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं यहाँ? छठे विभाग ने भी अपने लोग मंत्री जू के पीछे लगा दिए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? ये तो अच्छी बात है, अगर छठा विभाग ही हमारी मदद करेगा तो लॉर्ड जू नहीं बच सकता। एक ताजा खबर सुनो, इमोशनलेस, लॉर्ड जू अभी अभी आंशिगान के जश्न में शरीक होने गया है। यह आंशिगान कौन है? बहुत बड़ी हस्ती है जो मंत्री काई का करीबी माना जाता है। जो भी उसके साथ काम करता है अमीर हो जाता है, इसलिए लोग उसे खजाने का देवता कहते हैं। अमीर तो होंगे ही, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी तस्करी उसने ना की हो? छठा विभाग उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। मतलब वो काफी खतरनाक है। जिसके पास शेंग हो उसे किस बात का डर? सुनो लैंग, चलो हम भी जश्न में चले। ये नहीं जा सकता। फिक्र मत करो, लैंग अब हमारे लिए काम करता है और इसे उन लोगों के बारे में मुझसे और हम सबसे ज्यादा पता है। खोलो इसे। हुजूर सुनिए, ये नकली नोट छापने वाला सांचा है। ओह, लॉर्ड लुई, तो आप भी यहां पर हैं। जरा ठीक है, मुझे जाने दीजिए। जरा रुकिए, बादशाह अभी आपसे नहीं मिल सकते हैं। ये शिजिंग कहां है? यहां तो नहीं है। लेकिन हुजूर, ये कोई आसान काम नहीं है। छठे विभाग के लोग तहखाने की रखवाली कर रहे हैं। आसान काम ही करना होता तो तुम्हें याद क्यों करता? पर हुजूर, इस जुर्म की सजा मौत है। और अब तक करते आए हो वो नहीं थे? अगर मिनिस्टर काई तुम पर मेहरबान नहीं होते तो आज क्या तुम जिंदा होते? मुझे ही देख लो, यहां जो कुछ भी तुम देख रहे हो वो सब मेरा है। तुम राजकोष मंत्री हो, दौलत के बीच रहते हो, पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है। कैसी बदनसीबी है। मैं नहीं ले सकता।
इसे अपना समझ लो और खुशियां मनाओ। तुम्हें इतना सा भी सोचने की जरूरत नहीं। इससे माहौल बिगड़ेगा, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जानता हूं। उम्मीद है मेरा यह नजराना तुम्हें पसंद आएगा। इसे अपने आदमियों में बांट देना, उन्हें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और यह खास चीज तुम्हारे लिए। लेकिन पहले मैं इससे खूबसूरत नजारा देखना चाहता हूं। ये करीब से और भी अच्छी लगती है। जरा देखो तो कितनी खूबसूरत हैं ये। अगर इस शहर की सभी सैनिक लड़कियां होती तो ये शहर कितना हसीन होता। फूलों के बीच में ये कांटा कहां से आ गया? ये दूर से ही अच्छा लगता है। ये लो रखो इसे। तो बताओ वो अभी तक जिंदा क्यों है? कब मारने वाली हो उसे तुम? अभी तो हमें बहुत सारा काम करना है। सिर्फ 3 दिन मुझसे दूर रहकर तुम। तुम्हें ये पसंद है? ए सुनो, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तब तुम बहुत करीब थे। तुम बिन बुलाए आए हो ना? बिल्कुल, तुमने सही पहचाना। मेरा नाम जू जिंगवो है और मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। हुजूर, शहजादे आ गए हैं। शहजादे को हमारा सलाम। आपका स्वागत है हुजूर। आपसे मिलकर खुशी हुई लॉर्ड एरन। ये तो हमारी खुशकिस्मती है। सुनो तुम, वो जो बिन बुलाए आए हो, तुम अभी तक गए नहीं? वो ज्यूग जेंगवा है शाही फौज से, जो सीधे बादशाह के लिए काम करते हैं। हम सब एक ही मकसद के लिए काम करते हैं और आज खुशी का दिन है। इसलिए लॉर्ड एन, अगर आप मेरी मानो तो आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो काइचेन के लिए कुछ नहीं कर रहा। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस खुशी के मौके को खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चलता हूँ। चले जाओ यहाँ से और वापस मत आना। वैसे भी यहाँ बूढ़ों का कोई काम नहीं। लड़के तुम्हारे जैसे लड़कियों से बहुत डरते हैं। बैठे बैठे मन की बात पढ़ लेती हो, डर लगता है। तुम तो नहीं डरते। क्योंकि मैं तुम्हें उस नजर से देखता नहीं, लेकिन वो देखता है। अरे सुनो, यहाँ आओ, आओ कुछ खा लो। डंपी, सुनो, आओ खा लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। आओ 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 आओ, आ जाओ। डॉगी का गोश्त है, बहुत लजीज है। Thank you.
मैं मजाक कर रहा था, हमने मुर्गा बनाया था, तुमको देख के भी पता नहीं चला। इमोशनलेस ने कहा तुम्हारा डंपी भूखा है इसलिए हम उसे बाहर ले गए थे, और तुम? मैं बात समझ गया, तुम्हारी अक्कल घुटने में है, तुम्हें लगा हम तुम्हारा डॉगी खा जाएंगे, तुम हमें अपना नहीं समझते हो। अब मैं तुम लोगों को यहां लेकर आया था क्योंकि तुम अपने हुनर में माहिर हो। तुम लोगों के बीच में जो भी गलत फहमी है उसे आपस में बात करके सुलझा लो, समझ गए ना? और ये सब साफ करो। आओ ये सब साफ करें। ओ, जानते हो मेरा नाम बिग वुल्फ कैसे पड़ा? बचपन में मैं बहुत कमजोर था तो मेरे परिवार ने सोचा कम से कम नाम तो डरावना हो, इसलिए उन्होंने मुझे एक खतरनाक नाम दे दिया। लेकिन मुझे कोई वुल्फ नहीं बनना। हाँ कई बार सोचता जरूर हूँ मैं कैसा लगूंगा, शायद चेहरे पर बाल आ जाएंगे, बाल लंबे हो जाएंगे और आंखें तो रहने दो। तुम दरवाजा खोल रहे थे क्या? वैसे तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर यहाँ रखा क्या है, अब इसे खोल ही लेते हैं। अरे इससे पहले मैंने कोई ताला इतने आसानी से नहीं खोला था क्योंकि इसे कभी लॉक ही नहीं किया गया था। यहां तो सारे मुजरिमों के खाते हैं, हम कहां से शुरू करें? ये तो बहुत बड़ा खूनी था, टी यूशिया। 6 सालों में इसने 11 समुद्री लुटेरों को और 9 सरकारी अफसरों को बेरे में से मारा था और आखिर में मिस्टर जुगे के हाथों तो पकड़ा गया और जुगे की रिक्वेस्ट पर इसकी मौत की सजा माफ करवा दी गई। ये मैं पढ़ूंगा। शेंग याशू बॉर्न इन शियांगसू। 12 साल पहले शेंग डिंगशियान और उसके परिवार पर अचानक हुए एक हमले में ये अकेले बची थी। सिर्फ 6 साल की उम्र में एक हादसे में इसने अपने पैर खो दिए। मिस्टर जुगे ने फिर इसे गोद लिया। ये इसीलिए इतनी उदास रहती है। ये लो तुम लो। हाँ और ये रहा मैं। ये तो गलत है, तुम इसे मत पढ़ना, मैं तुम्हें खुद बता दूंगा। सुई लूशांग, जुर्म की दुनिया में मुझे लाइफ स्नैचर के नाम से जाना जाता है। 8 साल की उम्र में वसूली शुरू कर दी थी और कभी खाली हाथ नहीं लौटा। पहला प्यार 10 साल की उम्र में, 3 साल की लड़की से लेकर 83 साल की औरत तक सब मुझ पर जान छिड़कती हैं। बहुत मजाकिया हूं और मेहनती भी। कभी कभी सोचता हूं घर नहीं छोड़ना चाहिए था, मुझे घर की अहमियत समझ में नहीं आई। अब तुम बताओ तुम कहां से हो? मुझे पता नहीं,
मुझे कुछ याद नहीं है। सुनो, तुम मदद करना चाहते थे ना, आओ बैठो इस पर। नहीं, अपने हाथ मत चलाना, दिमाग का इस्तेमाल करो, ठीक से ध्यान लगाओ, फिर तुम जिस तरफ चाहोगे ये उसी तरफ चलेगी। चलो कोशिश करो। अरे ये इतना ऊटपटांग क्या सोच रहे हो? आपकी नई व्हीलचेयर। तुम्हें पसंद करती है? कमाल हो गया, तुम चलो मैं आता हूं। मैं अभी बात नहीं करना चाहती। मैं जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन मैं यहां किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मैं बस इस काम को अंजाम देकर छठे विभाग लौट जाना चाहता हूं। मुझे सब पता है। ठीक है, तो मैं चलता हूं। तुम अपना ख्याल रखना। नकली सिक्कों के बदले असली सिक्के भी नहीं मिल पा रहे हैं। हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, अब क्या करें?
नकली सिक्के हैं, तांबा बहुत कम है। बैंक हमारे पैसे नहीं ले रहे हैं, अब हम क्या करें? बताइए कोई, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इन्हें नकली सिक्कों के बदले असली सिक्के दे दो। सारे नकली सिक्के यहाँ ले आओ। शुक्रिया। ये क्या कर रहे हो, इन्हें असली सिक्के क्यों दे रहे हो? तुम जानते हो ये नकली है। देखो, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए है। इतने सारे नकली सिक्के, किसी की साजिश लगती है? अगर इन नकली सिक्कों को जल्दी नहीं रोका गया तो हालात बिगड़ जाएंगे और इसका सबसे ज्यादा असर होगा ऐसे गरीब लोगों पर। हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। नकली सिक्कों में तांबा बहुत कम होता है, इसलिए आसानी से टूट जाते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझसे तो नहीं टूट रहा। क्योंकि तुम जोर नहीं लगा रही। याद रखना, हमें सिक्कों को उनके वजन, रंग और बनावट से चुनना है। बाजार जाओ और तफ्तीश करो, जिस पर शक हो उसका पीछा करो। हमें इस बात की जड़ तक पहुंचना है। हम जड़ तक पहुंच ही गए। ये लो, इसे अपने पास रखो। सभी यही है, उन पर नजर रखो। देखो, उस दुकान में फिर से नकली सिक्के आ गए हैं, चलो देखते हैं। आज तुमने कितना सामान पहुंचाया? 3000 बोरियां पहुंचा दी हैं। ये है पहला सुराग, इसका नाम है गोल्ड ब्लाइंड। एक शातिर मुजरिम धोखाधड़ी के मामले में अंदर जा चुका है, एन शिजेंग के लिए काम करता है। उसकी तरफ मत देखो, नहीं तो वो समझ जाएगा कुछ गड़बड़ है। हाँ यार, लोगों को जल्दी बड़ी होती है। वो देखना चाहता था कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा, समझे? सुनो, पता कैसे चला? उसकी घटिया बदबू से। तुम्हारी नाक तो तुम्हारे डॉगी से तेज है, बढ़िया है। आइए मालिक। काम कैसा चल रहा है? सारे नकली सिक्के नदी के किनारे बने एक कारखाने से आ रहे हैं। गोल्ड ब्लाइंड आज जिया हुआ से मिला था, लेकिन लैंग, तुमने तो उस पर नजर रखी थी। सेगा, मैंने जिया उहा को नहीं देखा। लेकिन मैंने उसे देखा था, वही पास ही की गली में वो दोनों मिले थे।
छठा विभाग भी शायद गोल्ड ब्लाइंड का पीछा कर रहा है। हो सकता है इसलिए जी याहुआ वहां गई हो। नहीं, उनका मकसद कुछ और ही था। मैंने तो उसे देखा ही नहीं। तुमने तो मुझे भी नहीं देखा। क्या किसी और ने भी जी याहुआ को देखा था? स्काई विंग्स ने भी देखा था। शायद उसी ने स्काइविंग्स को मारा। मुझे लगता है तुमने उसे मरते देखा था। किसी को मुझ पर यकीन नहीं है। उस पर नजर रखो। ये मामला ज्यादा पेचीदा लगता है। हमें जी याहुआ का भी कुछ करना होगा। जू जेंगवा चाहता है कि हम गोल्ड ब्लाइंड पर नजर रखें। और क्या चल रहा है वहां? इमोशनलेस को शक है कि गोल्ड ब्लाइंड और जी याहुआ आपस में मिले हुए हैं। अच्छा, तो उसे ऐसा लगता है। ठीक है, जी याहुआ और बटरफ्लाई के साथ जाओ और नकली सिक्कों का कारखाना ढूंढो। बाकी सब लोग एवलांच के साथ जाकर मंत्री जू के घर की तलाशी लो। जी हुजूर। लगता है सब भाग गए। भट्टी अभी भी चल रही है, ज्यादा देर नहीं हुई है। उन्हें शायद किसी ने हमारे आने की खबर दे दी है। गोल्ड ब्लाइंड, बादशाह को शक हो गया है। अब तुम्हें एक नई कहानी सोचनी होगी। अब उन्हें बेवकूफ बनाना किसी करिश्मे से कम नहीं होगा। इसमें तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। इस खेल को अब नया मोड़ देना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। बचाओ।
उदय, तुम ठीक हो? बाहर जाओ, जाओ दवाई लेकर आओ। ये लीजिए मालिक, डिंगडोंगी का पदो। याहू खून का बहाव बंद करो, जल्दी जल्दी। ये किया किसने? हैन लॉन्ग। मुझे तो लगा वो मर गया। मुझे भी समझ नहीं आया, वो जानवर बन गया था और फिर अचानक राख में बदल गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ ऐसा ही हुआ था। और हां, बटरफ्लाई भी नहीं रही। मालिक, मालिक बुरी खबर है, छठे विभाग के लोग आए हैं। तीरंदाज भागो। रुको, याहू ऐसा कुछ भी मत करना। लॉर्ड लुई, शाही फौज खतरनाक मुजरिमों का घर बनती जा रही है, हमारे लोगों को मार रही है और सिपाहियों को बंदी बना रही है। आपको गलत फहमी हुई है, हम तो अंदर जी का इलाज कर रहे हैं। शुक्रिया। जल्दी हमारे लोग घायल हुए हैं, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? तुमने हमारे लोगों को मारा, हमारा घर तोड़ दिया और माफी भी नहीं मांग सकते? मैंने सोचा था सैनिक बनूंगा तो इज्जत मिलेगी, ये नहीं पता था कि इतनी बेइज्जती भी सहनी पड़ेगी। आपने उन्हें खबर दी कि हम कारखाने पर जाने वाले हैं, आप किसके साथ हो, उनके या हमारे? छठा विभाग हमारा दुश्मन नहीं है और लैंग हमारे लिए काम करता है। लेकिन अभी तक उसने फैसला नहीं किया है, सही कहा ना? हम बेकार में इंतजार कर रहे हैं, वो नहीं आने वाला, आना होता तो अब तक आ चुका होता। वो जरूर आएगा। हाँ, शायद मेरे लिए ना आए।
क्या हो रहा है? शाही फौज का दफ्तर बंद हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा कुछ। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। लैंग तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगा हम तुमसे मिले बिना ही चले जाएंगे। हुजूर, हुजूर देखिए लैंग लौट आए। तो तुम आ गए। माफ कीजिएगा, मैं यहां पे मामला संभाल नहीं पाया। मंत्री काय के कहने पर बादशाह ने शाही फौज की तफ्तीश का फैसला किया है। मुझे मेरे पद से हटा दिया गया है, बस फैसले का इंतजार है। मुझे लगा खुद बादशाह आपको आदेश देते हैं। तफ्तीश चलने तक मुझे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये मुझ पर एहसानी है। तो क्या छठा विभाग तफ्तीश करेगा? पर फिक्र मत करो। ऐसे कैसे हम फिक्र ना करें? आपने हमसे कहा सब्र करो, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता, और वो हमने किया, आपकी हर बात मानी, पर हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ सजा। दुनिया में हर काम शराफत से नहीं होते, खासकर जब सामने वाले भेड़िए हो। देखो, अगर हम भी उनकी तरह बर्ताव करने लगे तो हम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? तो दिखाते रहिए अपनी शराफत। मुझे माफ कीजिएगा। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। छठे विभाग में वापस जाओ और एक अच्छे सिपाही बनो, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसी बहाने तुम सबको छुट्टियां तो मिल जाएंगी। ड्रंकन मून पर चलो, मैं तुम्हें खास शराब पिलाती हूँ। अब मैं और मुफ्त की नहीं पी सकता। चलो, कौन आ रहा है? मैं पिलाता हूँ। हाँ, रुको रुको, हटो मेरे दोस्तों, रुको, मैं आ रही हूँ, रुको रुको। और किसी को आना है? ओ हाँ हाँ, मैं भी आता हूँ। इमोशनलेस, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है, चलो। हेलो, कैसे हो तुम? हाँ ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। लाइफ स्नैचर, हाँ? हम कहाँ जा रहे हैं? वहाँ जा रहे हैं। लाइफ स्नैचर, डिंग डॉंग, आप आ गए। गॉड्स, सब यही है। हाँ, तो तुम सब यही हो। आयन हैंड्स, आयन हैंड्स, आयन हैंड्स भी आ गए। अगर हम ये साबित कर देते हैं कि ऑनशाइन इस सबके पीछे है, तो काम बन सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है तो छठा विभाग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
उस दिन किसी तरह का जादू हैंगलोंग को हमारे हमलों से बचा रहा था और फिर अचानक देखते ही देखते वो इस राख में बदल गया। वो हैंगलोंग बस एक अवतार था। ये पश्चिम की एक प्रसिद्ध कला जादू है। जहर और सुई की मदद से आत्मा को काबू में किया जा सकता है। अगर आप एक खास तरह के फूल अपने दुश्मन पर फेंक दें, तो उसकी खुशबू से अवतार दुश्मन का पीछा करेगा और मारकर ही दम लेगा। फूलों की खुशबू, लैंग को यहाँ होना चाहिए था, वो इस इत्र को ढूंढ लेता। अगर हमें खुशबू नहीं मिली तो वो सुई ढूंढनी होगी।一般嚟讲，金针系插喺头骨里边。आपने ये सुई निकाल दी, इसीलिए हैंगलोंग की राख हो गई। आयनहैंड्स, क्या ये फूल आसानी से मिल जाते हैं? बहुत मुश्किल है, और ये सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं। आयनचेजिंग इसे आसानी से हासिल कर सकता है। हमें ये साबित करना होगा कि उसके पास ये खास फूल है। तुम सब जाओ, मैं कुछ देर और यहाँ रुकना चाहती हूँ। वो नहीं आने वाला है। चलो चलें, इमोशनलेस, मैं तुम्हें ले चलता हूं। अवलांचे, अगर तुम्हें बात करनी है तो मैं बाहर आ सकती हूँ। मुझे छठे विभाग के कुछ खुफिया दस्तावेज वहां सिक्कों के कारखाने में मिले थे। खुफिया दस्तावेज? मुझे नहीं मालूम। हमारे हर दस्तावेज की एक अलग पहचान होती है। सब अलग होते हैं, इसलिए झूठ मत बोलो। और तुम तो महान हो, तुमने लॉर्ड ज़ू को जहर देकर मारा, फिर आत्महत्या साबित की। ऐसी बात है तो हमें गिरफ्तार क्यों नहीं करते? बादशाह को मार दो और मुझे उसकी जगह दे दो। एन शिकेंग से कहो, अगर वो सही कीमत देगा तो मैं उसका साथ दूंगा। मैं तुम्हारी और एनशी गैंग की चाल समझ गया हूं। अगर तुमने उसे जल्द ही नहीं मारा तो हमारा काम और भी मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। Oh, my God.
मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि एवलांचे इतना बड़ा हैवान है। उसने तुम्हें चोट तो नहीं पहुंचाई? नहीं, लेकिन उसने फायरफ्लाई को बहुत डरा दिया। वो रात भर सो नहीं पाई। सुनो लैंग, बादशाह तुम्हें ढूंढ रहे हैं, मेरे साथ वापस चलो। हाँ, पर मैं खाली हाथ नहीं आऊंगा। सच कहूं तो मुझे किसी पर शक है। मैं जानता हूं उस दिन कारखाने में कौन था। क्या वो एनशिंगेंग था? तुम्हें भी उस पर शक है? तुमने बादशाह को बताया? सबूत नहीं है इसलिए नहीं बताया, लेकिन मैं भी सच्चाई जानना चाहती हूँ। बटरफ्लाई की मौत जाया नहीं जाने दूंगी। पॉइज़ा आंटी, अब मुझे क्या करना चाहिए? एक बात याद रखना, सच्चे प्यार के लिए हमें कुछ नहीं करना होता। और अगर तुम्हें कोई चाल चलनी पड़ रही है तो वो प्यार सच्चा नहीं है। मतलब मुझे इंतजार करना होगा? सब्र का फल मीठा होता है। अगर मैं सब्र नहीं कर सकी तो? अगर नहीं कर सकी तो इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब तुम खुशनसीब हो। यह तो बहुत पेचीदा है। प्यार ऐसा ही होता है। अरे तुम्हारे नाम वहाँ सत्ता तो दाएं तरफ, दाएं तरफ। हाँ तो मैं ले रहा हूँ भाई। हाँ संभाल के, संभाल के चलो, चप्पू चलो, चलाते रहो, चलाते रहो। हाँ चलो। एनशिगेंग के गोदाम में कुछ सामान रखा हुआ है, हाँ जी चला रहा हूँ। हमें वहाँ छानबीन करनी चाहिए। ध्यान से बोट को धक्का मत दो ज्यादा। चलो चलो जल्दी करो। हाँ रख दिया। ये एनशिगेंग का गोदाम है। सारे मजदूर इस तरफ लेके आओ सारा सामान। हाँ हाँ ला रहे हैं, जल्दी। हाँ हाँ सर। ए, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छठे विभाग से आई हूँ, पीछे हटो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हमें एक फूल की तलाश है जिसकी खुशबू हमें कारखाने में मिली थी। तो छठा विभाग फिर से हमारे काम में टांग अड़ा रहा है? बकवास मत करो, लेंग अभी भी तुम्हारे लिए ही काम कर रहा है। हम भी एक खास फूल की तलाश कर रहे हैं, शायद उसके इस्तेमाल से हैनलॉन्ग पर काबू किया जा सकता है। तो फिर चलो ढूंढते हैं। मुझ पर छोड़ दो। वो यहाँ है। मतलब तुम इस ताबूत को खुलवाना चाहते हो? इसमें तो लाश है, फूल कहाँ से आएगा? चलो हटाओ इसे। इसका मतलब ये फूल लाशों पर पनपते हैं। हमें छठे विभाग को बताना चाहिए। ये काम हम खुद भी तो कर सकते हैं। हुजूर, हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। दुश्मन क्या सोच रहा है, वो कितना ताकतवर है, क्या तुम्हें कुछ भी पता है?
क्या हम उसका सामना कर पाएंगे? शाही फौज पर अभी जांच हो रही है। छठे विभाग को बता भी दिया गया तो वो एन शिंग जेंग को कुछ नहीं करेंगे। हम कुछ ना करिए मैं मान सकता हूं, लेकिन आप छठे विभाग को बताकर अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। बादशाह आपको मौका नहीं देगा। उसके निशाने पर एंग शिगेंग नहीं, आप हैं। इस बार ये सच बोल रहा है। यायू, चलो शहजादे के पास चलते हैं, बाकी सब लोग यहीं रहेंगे। शुक्रिया। आप मुर्दों को फिर से जिंदा क्यों कर रहे हैं? शाही फौज के पास सारे सबूत हैं, उन्हें पता है ये सब आप ही ने किया है। ठीक है, मैं बादशाह को मार दूंगी, बाकी लड़कियों को छठे विभाग से जाने दीजिए, मैं उन्हें मरता नहीं देखना चाहती। इसमें मैं क्या करूं? कम ना ही ज्यादा, पहले जीकर मर रही थी और अब मर कर जी रही है। कितनी सुंदर है पहले की तरह। बस थोड़ी चिपचिपी हो गई है, चलो। बटरफ्लाई, तो तुम लैंग को पसंद करती हो? ये लैंग को पसंद करती है। जाकर बादशाह को दे दो और बता दो कि उसका खूनी मैं ही हूं। सुना तुमने? सोच रही हो मैं क्या करने वाला हूं? तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी सोचने में। हमें पता चल गया, वो सामान आन शिगांग के घर पहुंचाया गया है। तो इंतजार किस बात का है? हम उन्हें संभाल सकते हैं। चलो चलो चलो। लैंग एक बहुत अच्छा इंसान है। जानती हूं। कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानती? अगर शाही फौज को कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? शाही फौज रहे ना रहे, हम हमेशा लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन बादशाह आपको सजा देना चाहता है, क्या आपको डर नहीं लगता? वो अच्छे इंसान है, लेकिन जो भी चीज उनके काबू में नहीं रहती वो उससे डरते हैं। लॉर्ड जोगा, मैं शहजादे से मिलना चाहता हूँ। आपका अच्छा इंसान आ गया। लॉर्ड लुई, तो तुम ही हो वो मन की बातें पढ़ने वाली? क्या सोच रहा हूं मैं अभी? लॉर्ड लुई, किस बात का डर है आपको? चलिए लॉर्ड लुई, हम चलते हैं। हाँ बिल्कुल।
तुम्हें मैं ले चलती हूँ। रहने दो। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहाँ गए सब? ये तो वही फूल है, यहाँ पर भी है। आयन हैंड्स, मुझे कुछ मिला है। मेरी जानकारी के मुताबिक आंशिगांग एक खास फूल के काले जादू से मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। वो ताज पर कब्जा करना चाहता है। आप छठे विभाग को उसकी गिरफ्तारी का आदेश दीजिए हुजूर। तुम दोनों जानते हो वो मंत्री काय का करीबी है। लॉर्ड लुई ने बिल्कुल सही कहा है, हमें आपके आदेश चाहिए। पहले बादशाह को खबर करते हैं। लॉर्ड लियो, शिगैंग पर नजर रखिए। जी हुजूर। ए, मुझे ढूंढ रहे हो? मुझे याद किया और मैं आ गया। और तुम अभी भी कुछ नहीं सीखे, फिर बिना बुलाए चले आए। अब तुम सब आ ही गए हो तो ये लो, ऐश करते हैं। ये तो फिर से जिंदा हुए। आयु, जाओ जल्दी मदद लेकर आओ। जिया हुआ, तुम भी जाओ। शहजादे, यहां से चलिए। कौन है वहां? ये शाही महल है, जाओ यहां से। जाओ इमोशन लेस उठो। Oh!
चलो जल्दी चलो ध्यान से इसने तो कमाल ही कर दिया कुछ तो करना पड़ेगा
चलो चलो पकड़ो, चलो गेंदों बंद से जाने लगो, और तुम चलो सिपाहियों, किसी को मत छोड़ना, जल्दी 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 करो, गेंद लो, कोई बच के जाने ना पाए, जल्दी चलो, जी, चलो चलो, चलो, रुक जाओ, खूबसूरत हो। आओ चले, मेरे रास्ते से हट जाओ। क्यों किया? कहानी को आगे का मोड़ मुझे ही देना था ना। किस्मत मोड़ लेकर न जाने हमें कहां ले जाती है, हमें बस चलते जाना है जहां वो ले जाए। अलविदा। जाओ पकड़ लो उसे, देखो भाग रहा है, पकड़ो, पकड़ लो उसे। कहाँ गया वो? अरे कहाँ गायब हो गया? कहाँ चला गया? कौन चिकन कहाँ गया? देखो ढूंढो उसे, देखो ढूंढो उसे। इमोशनलेस। फिर तुमने मेरी जान बचा ली। उम्मीद करती हूँ आप ठीक हैं। छठे विभाग ने अहम किरदार निभाया है, तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। शुक्रिया हुजूर, लेकिन शाही फौज ने भी हमारा साथ दिया। तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? अगर तुम्हें मार देती तो सच कभी बाहर नहीं आता। कैसा सच? तुम्हें लगता है लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? एक दिन लोग तुम्हें जरूर समझेंगे। ठीक है, तुम उस दिन का इंतजार करो। वो यहाँ मेरे साथ छठे विभाग में रहेगा और मैं शहर की सबसे ताकतवर सैनिक बनूंगी। अच्छा। सुनो, मैंने सबको अलविदा कह दिया है। मुझे तो लगता था तुम छठे विभाग के सबसे बड़े सैनिक बनोगे। बनना चाहता था पर अब नहीं। इसकी वजह शाही फौज है? शाही फौज बहुत छोटी है, लेकिन मुझे वहां सुकून मिलता है और मेरे दोस्त भी हैं वहां। अपना ख्याल रखना। चलो चलते हैं। मुस्कुरा रहे हो, है ना?